और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हिंदू राष्ट्र पर फिर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, कहा अगर बिहार में 5 करोड़ लोगों ने भी ध्वज लगाया तो भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा सभी को अपना धर्म मानने की आजादी, दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। कर्नाटक में दलित मुख्यमंत्री की मांग को लेकर प्रदर्शन, तुमकुर में दलित समुदाय के लोगों ने किया विरोध। कर्नाटक में हसन सीट से हार के बाद बीजेपी नेता प्रीतम गौड़ ने दी मुस्लिम समुदाय को धमकी, बोले आने वाले दिनों में दिखाऊंगा अपनी ताकत, उनके भगवान उनकी रक्षा करे। सोनभद्र में निकाय चुनाव जीतने के बाद बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कहा बीजेपी जो सीटें नहीं जीत पा रही थी उन 15 सीटों को विधानसभा चुनाव में हमें दिया गया। सीएम योगी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के साथ देखी द केरला स्टोरी, बोले सभी को देखनी चाहिए ये फिल्म। उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई बैठक, बैठक में महाविकास आघाड़ी को लेकर होगी चर्चा, शिवसेना भवन में होगी बैठक। 2024 के चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, सभी 80 सीटों पर खिलेगा कमल। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर सियासत तेज, केशव मौर्य बोले सच आएगा सामने, रिपोर्ट पर सपा सांसद एसटी हसन ने उठाए सवाल, दंगे के लिए पीएसी को ठहराया जिम्मेदार। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत, सीएम ममता ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सियासी घमासान, बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग। दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत करने वाले युवक पर केस दर्ज, तलाश जारी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। उत्तराखंड के बागेश्वर में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का आमरण अनशन, 25 सालों से किसानों को नहीं मिला मुआवजा। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। यूपी के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का निधन, मुक्ति धाम पर आज होगा अंतिम संस्कार। यूपी के फतेहपुर में ऑटो और टैंकर के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 9 लोग की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, विधायक ने दिया मदद का आश्वासन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक के भीतर लगी आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। जालौन में सिपाही की हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, आरोपी के पति ने पुलिस पर उठाए सवाल। हापुड़ में युवक ने प्रेमिका को मारने के बाद की खुदकुशी, प्रेमिका की शादी तय होने से परेशान था युवक। यूपी के जौनपुर में अदालत ने गोलीबारी, पेशी के लिए आए 2 आरोपी घायल, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में बदमाशों ने गोली मारकर युवक से छीनी बाइक, बुरी तरह घायल हुआ युवक, इलाज जारी। बिहार के अरवल में दबंगों ने की युवक को जलाने की कोशिश, बुरी तरह घायल हुआ युवक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आजमगढ़ में युवती का अश्लील फोटो वायरल करने वाले पर कार्रवाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में 90 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, बिहार भेजी जा रही थी शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। जयपुर में क्राइम ब्रांच ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी। झारखंड के बोकारो में लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 पिस्टल समेत 6 कारतूस जब्त। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई है, टॉप 9 बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की क्वाड देशों की बैठक, बाइडेन के इनकार करने के बाद फैसला, पीएम मोदी भी होने वाले थे शामिल।
पाकिस्तान में हुई हिंसा पर शहबाज सरकार सख्त, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने का ऐलान। इमरान खान को दो और मामलों में 8 जून तक मिली जमानत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से की मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूक्रेन की सेना ने ओडिशा में किया ड्रिल, आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली, ब्लैक सी के पास हो रहा है युद्धाभ्यास। यूक्रेन की सेना ने तैनात किया आधुनिक तकनीकी वाले ड्रोन, यूक्रेन की सेना के मुताबिक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है ड्रोन। रूस के कुर्गन क्षेत्र में भीषण आग लगने से तबाह हुआ गांव, स्थानीय लोगों को हुआ भारी नुकसान। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहरों में भरा पानी, सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। सोमालिया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर लोग, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, आग बुझाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, फायर ब्रिगेड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की खबरें, देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। आईपीएल 2023 के 64वें मैच में पंजाब किंग्स के लिए करो या मरो का मुकाबला, आज दिल्ली कैपिटल से होगी भिड़ंत, हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की हार, कुणाल पांड्या की अगुवाई में लखनऊ ने 5 रन से हराया। यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर बोले जो रूट, कहा उन्हें जल्द मिल सकता है भारतीय टीम में मौका। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने टीम का किया ऐलान, चोट के चलते बाहर हुए जोफ्रा आर्चर, 1 जून से खेला जाएगा मैच। इंग्लैंड की टीम में जॉनी बेस्टो की हुई वापसी, पैर में फ्रैक्चर के बाद मैदान से थी दूर। धोनी से ऑटोग्राफ मिलने के बाद भावुक हुए गावस्कर, कहा मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में धोनी के वर्ल्ड कप वाले 6 को देखना चाहूंगा। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रोअर अर्जुन ने जीता सिल्वर मेडल, 66.99 मीटर दूरी तक फेंका भाला। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला हॉकी टीम, कल से शुरू होगी टेस्ट सीरीज, एडिलेड में खेला जाएगा मैच। हैदराबाद में मुकाबले के पहले मोहम्मद सिराज के घर बिरयानी पार्टी, कोहली डुप्लेसिस समेत पूरी आरसीबी की टीम हुई शामिल। और चलिए अब आपको दिखाएंगे खेल की खबरों के बाद एंटरटेनमेंट की टॉप 9 बड़ी खबरें। डॉन 3 में नहीं दिखेंगे शाहरुख खान, रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख ने ठुकराई डॉन 3, नए एक्टर को किया जाएगा कास्ट। अमेरिकी राजदूत एरिक ने शाहरुख खान से मुलाकात की, दोनों के बीच फिल्म उद्योग को लेकर चर्चा। कांस में रेड कार्पेट पर सारा अली खान ने दिखाया देसी लुक, संदीप खोसला की ब्राइडल ड्रेस में नजर आई। आदि पुरुष का जारी हुआ नया पोस्टर, अपने शक्तिशाली अवतार में दिख रहे हैं भगवान हनुमान। सियोल में गुच्ची क्रूज में शामिल हुई आलिया भट्ट, ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया। अब्दुल रोजिक का गन के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया बयान। बिना हेलमेट बाइक पर सवार हुए अमिताभ बच्चन, लोगों ने किया ट्रोल, अमिताभ बच्चन ने दी सफाई, कहा नहीं तोड़ा कोई ट्रैफिक नियम। क्राइम ड्रामा वेब सीरीज स्कूप का ट्रेलर आउट, क्राइम रिपोर्ट बनी करिश्मा तन्ना, सीरीज 2 जून में होगी रिलीज। हॉकाई स्पिन ऑफ सीरीज इको की रिलीज डेट आउट, फिल्म इसी साल 29 नवंबर को रिलीज होगी। और मनोरंजन की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो वायरल हैं, देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया मामला, गोली चलाने वाले की तलाश जारी। बिहार के मोतिहारी में युवक ने पिस्टल के साथ किया डांस, सामने आया वीडियो, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में शादी के दौरान जमकर हुआ हंगामा, दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों में पत्थरबाजी, 3 लोग बुरी तरह से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में बीच सड़क पर केक काटने के दौरान हंगामा, विरोध करने पर युवक की पिटाई, पुलिस ने मारपीट करने वाले को पकड़ा।
मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर महिलाओं में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद हुआ था विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आगरा में दो पक्षों में हुई मारपीट, तीन लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में युवकों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। मेक्सिको सिटी में मेट्रो के सामने आई मुर्गी, मुर्गी को पकड़ने के लिए कर्मचारियों को करनी पड़ी मशक्कत, कई घंटे तक मेट्रो सेवा पर रही रोक। जी न्यूज़।